आसनों के पूरे पैकेज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी उत्सुकता सभी के मनों में है। यूं तो योग शास्त्र में कोई 84 करोड़ कोई 84 लाख आसन मानता है। योग शास्त्र कहता है आसनानि चतावन्ति यावन्ति जीव जातयः। आसन उतने हैं जितने जीवों की जातियां, जितनी दुनिया में आकृतियां। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि मुझे कितने आसन करने हैं। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। 9 वर्ष की उम्र से मैंने योग करना शुरू किया और अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि मात्र 12 आसन ही कर लिए जाएं तो व्यक्ति को संपूर्ण आरोग्य मिल जाता है। और वह 12 आसन है मंडूक आसन, शशक आसन, गोमुख आसन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, पवनमुक्तासन। एक एक पैर से अर्धहलासन, फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं अर्धहलासन, द्विचक्रिकासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से और दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। जिनको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम हो, जिनको हर्निया हो, जिनके शरीर में कमजोरी हो, जिनकी हड्डियां कमजोर हो, वे एक एक पैर से ही करें, दोनों पैरों से ना करें। और पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, जिसको आम भाषा में हम साइकिलिंग भी कह देते हैं। यदि ये 12 आसन व्यक्ति प्रतिदिन कर ले तो जिंदगी में कभी रोगी नहीं हो सकता। वात पित्त कफ का, एनवलिज्म, कटवलिज्म, मेटावलिज्म का, शरीर में केमिकल्स और हार्मोन्स का जब इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, उसी को हम रोग कहते हैं। योग से भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। योगासनों से वात पित्त कफ का असंतुलन समाप्त हो जाता है और योग से शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के बॉडी के एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, संतुलित हो जाता है, शक्ति से भर जाता है। सबको शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, संतुष्टि, मुक्ति चाहिए। योग से ये सब कुछ मिलेगा। और योग का करोड़ों लोगों पर प्रयोग करके हम इस परिणाम तक पहुंचे हैं, उसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास में है कि योग करने से कोई रोग शरीर में रह ही नहीं सकता। और योग करने वाला व्यक्ति रोगी हो ही नहीं सकता। इसलिए एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सक्रिटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमन सिस्टम को आपको संतुलित करना है तो योगासन कीजिए और सदा स्वस्थ रहिए, दीर्घ आयु पाइए।